thank mm -hmm. बस वेलकम बैक टू द चैनल और ए है ट्यूसडे आज का मैं ब्लॉग आपके साथ ये रेसिपी का मैं शेयर कर रही हूँ आज मैंने मक्खन बनाने का मैंने प्लान किया था क्योंकि ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स डेज से मैंने मक्खन मतलब मलाई कलेक्ट करके फ्रिज में रखा था रोज़ रोज़ जैसे हम दूध को उबालते हैं तो उसके ऊपर जमता है मलाई तो उसको दो चम्मच तीन चम्मच जो भी रोज़ आता है उसको हम एक एक प्लास्टिक बॉक्स में कंटेनर में एयर टाइट कंटेनर में हम जमा करते जाएंगे तो वैसे ही हमें कलेक्ट करके फ्रिज में रखा था ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डेज हो चुका था तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं मक्खन बनाऊंगी और घर में घी या मक्खन खाने को भी हो जाएगा देखिए मेरे घर में स्पेशल मिल्क नंदिनी का मैं लेती हूँ वन लीटर स्पेशल मिल्क तो उससे देखिए इतना थिक गाढ़ा पंद्रह बीस का बीस ट्वेंटी टू दिन का ये इतना सा मतलब थ्री हंड्रेड ग्राम तक मक्खन शायद आ जाएगा पहले हमको मैंने मक्खन को थोड़ा हाथ से भी मतलब ऐसे देख के इससे चरनिंग किया और पहले मैंने मक्खन को थोड़ा मिक्सी में भी थोड़ा सा लिटिल हमको पल्स करना है मिक्सी में जार में थोड़ा थोड़ा पल्स जैसे दस सेकंड के लिए दस सेकंड के लिए पल्स करना है नहीं तो मिक्सी में ज़्यादा हीट होकर क्या होगा मक्खन बिगल जाएगा मिक्सी में ही जार में ही और यहाँ पर मैं रसम बनाने के लिए टमोटो चॉप कर रही हूँ टमोट का टमोटो बहुत अच्छा रहता है रसम और यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको वही जो मैंने कलेक्ट किया था ट्वेंटी फाइव डेज़ का ये देखिए मलाई है इतना थिक गढ़ाई स्पेशल गाढ़ा मिल्क जो रहता है स्पेशल मिल्क जो रहता है ना उसका गाढ़ा थिक वाला ये मलाई है इसे जम चुका है देखिए पहले मैं अभी अभी जार में डालूंगी जो रहता है ना जूस जार रहता है उसमें ही हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रहना चाहिए पल्स करेंगे दस सेकेंड के लिए पंद्रह सेकेंड के लिए दो तीन बार बस पल्स करना है उसके बाद मैंने फिर से एक बर्तन में सारा ये हम क्या वो चार लस्सी रहता है ना वो सभी कुछ मलाई का डाल के मैं हाथ से ही मैंने चरनिंग किया जो लकड़ी का होता है ना वुडन का जो चरनिंग करने के लिए रहता है आप क्या कहते हैं उसे तो उससे भी मैं चरनिंग करती हूँ मुझे बहुत खुशी होता है वैसे लकड़ी से वुडन का उस वो चर्निंग करने का रहता है ना तो उससे चर्निंग करने के लिए मुझे बहुत खुशी होती है बहुत अच्छा लगता है तो आराम से मैं टी वी देखते कुछ आ, मतलब यूँ ही टाइम पास के लिए भी मैं चर्निंग कर सकती हूँ हाथ को एक्सरसाइज भी हो जाएगा उससे जो रहना रहता है लकड़ी से ही हमको चर्निंग करना चाहिए इससे बहुत थिक वाला घाड़ा वाला मक्खन हमको मिलेगा देखिए इस बॉक्स में ऑलमोस्ट ये फाइव हंड्रेड एम एल का बॉक्स है पूरा गाढ़ा मक्खन मलाई मैंने सॉरी मक्खन नहीं मलाई मैंने जमा करके कलेक्ट करके रखा था घर में ही हम मक्खन बनाने से हेल्दी मक्खन अच्छा वाला भी हमको मतलब खाने को मिलता है डोसा के साथ वटू होल के साथ पूरण पोल के साथ देखिए मैं जार यहाँ पर लगाई हूँ सिर्फ पल्सिंग करना है दस दस सेकेंड पंद्रह सेकेंड के लिए कोल्ड आइस आइस वाटर हमको इसमें डालना है तभी जाकर अच्छा सा गाढ़ा वाला थिक वाला मक्खन हमको मिलेगा तो थोड़ा सा वो भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और यहाँ पर देखिए ये है मंडे का दोपहर का मम्मी को मैं ये पपाया लेकर आई थी बहुत अच्छा है खाने के लिए स्किन के लिए और हमारा डाइजेशन के लिए और जो भी हमारे पेट में वर्म्स रहते हैं ना हर किसी को वर्म्स रहता है पेट में तो हो जाता है वो बॉडी में तो वो वो सभी कुछ निक, निकाल कर बाहर हो जाएगा तो क्लीन हो जाएगा क्लेंज हो जाएगा हमारा बॉडी स्किन के लिए भी क्लेंजिंग है ये पपाया यहाँ पर मैंने नोल नोल का सलाड बनाई हूँ टर्निप होता है ना टर्निप नविल कोसु गड्ढे कोसू हम कहते हैं नविल कोसु कनाडा में टर्निप का मैंने अच्छे से उसको ग्रेट किया है कैरेट ग्रेट किया है टमाटर को मैंने चॉप किया है और तीन ग्रीन चिल्लीज़ मैंने स्लिट करके मैंने तड़का डालकर मिक्स किया है ये है गवार फली इसका मैंने सब्जी बनाई थी ट्यूसडे लंच के लिए और उसके साथ जोवार की रोटी भी हम बनाए थे आप भी टर्निप का कभी ये देखिए डोसा बैटर मैंने रखा है यहाँ राइस है टर्निप का देखिए यहाँ पर जोवार रोटी है यहाँ माविन का एक गज्जू है तो दोपहर का लंच के लिए इतना सारा यहाँ पर ये यह टर्निप का जो रहता है बहुत स्वादिष्ट रहता है और इंसुलिन लेवल इसमें ज़्यादा रहता है तो हमको ये खाने से बहुत फ़ायदे रहता है नविल कोसू टर्निप नोल नोल जो रहता है ना वो कच्चा सलाड में बनाई थी जोवार रोटी गवार फली कर्ड और टर्निप का ये सलाड और उसके साथ मैंगो गुज्जू माविन का गुज्जू हम कनाडा में कहते हैं साउथ इंडियंस बनाते हैं तो ये दोपहर का लंच है ट्यूसडे का तो अब हम एंजॉय कर रहे थे आज और उसके बाद ट्यूसडे इवनिंग को मैं देखिए थोड़ा सा वन आवर रेस्टिंग होने के बाद फिर फाइव थर्टी हो ही चुका तो उसके बाद देखिए यहाँ पर दो कप मैं चाय बना रही हूँ ये गाढ़ा मिल्क है स्पेशल मिल्क दो कप डाल दिया अभी उसमें हम डालेंगे फोर फोर टीस्पून हम शुगर डालेंगे शुगर मैंने डाला है फोर टीस्पून शुगर मैंने डाला है अभी और उसके बाद टू टीस्पून दो चम्मच हम यहाँ चाय पत्ती डालेंगे मैं यहाँ लाती हूँ डी मार्ट से आसाम चाय पत्ती डाल लेकर आती हूँ आसाम चाय पत्ती अगर आप घर में मैं थोड़ा सा स्ट्रांग वाला ही मैं लाइक करती हूँ पूरा लाइट में मुझे अच्छा नहीं लगता यह है स्पेशल टी बना रही हूँ यह है तुलसी का पत्ता रोज़ का पेटल्स और जिंजर ये सभी कुछ आप डालकर ये भगवान को हम पहनाते हैं ना जो हार तुलसी का हार हम विष्णु जी को लक्ष्मी जी को हम पहनाते हैं तुलसी का हार हमारे साउथ इंडियन में वेंकटेश्वरा टेम्पल में देते हैं प्रसाद के रूप में तो वही लेकर आते हैं तो वो अच्छे से धोकर रखना है वाश करके बाद में फ़ैन के नीचे रखना है दो दिन में वो सूख जाएगा रोज़ का पेटल्स ये भगवान को हम पहनाते हैं ना हार या फूल तो अब वो भी वेस्ट नहीं करना है मैं क्या करूँगी रोज़ पेटल्स को देखिए मैं उनको भी रोज़ को मैं पहले वाश करके सारा मैं फ़ैन के नीचे रख दूंगी अभी बहुत कड़क धूप रहता ना वैसे भी धूप में नहीं रखना है शेड में ही रखना है दो दिन रख दीजिए वैसे ही तो हॉल में रख दीजिए एक बाउल में या प्लेट में रख के तो सारा सूख जाएगा ये ऐसा बन जाएगा आज मैं रोज़ बटल्स और तुलसी डालकर और जिंजर भी मैंने डाला है तो ये स्पेशल वाला चाय है एक बार आप भी इसे बनाइए ज़रूर ज़रूर डेफिनेटली आप इस चाय को बनाइए इतना फ्लेवर रहता है ना आपको कोई भी आप होटल भूल जाओगे फ़ाइव स्टार होटल भी आप भूल जाएगा भूल जाओगे ऐसा वाला चाय आपको कहीं बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा मैं भी uh, मतलब रोज पेटल्स डालकर पहले पहली बार मैंने ये ट्राई किया है बहुत स्वादिष्ट रहता है बहुत ही फ्लेवरफुल रहता है आरोमा रहता है तुलसी तो इतना हमारे डाइजेशन uh, के लिए सर दर्द के लिए गले के खराश के लिए बहुत अच्छा है तुलसी का बेनिफिट आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा है बच्चों को अगर खांसी हुआ तो हम तुलसी और थोड़ा सा हनी दोनों हम बच्चों को uh, मतलब खिलाते हैं खाते हैं बच्चों को आधा चम्मच हम उसको बच्चों को खिलाते हैं तो ऐसे ही तुलसी का चाय बना कर पीने से भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हमको मिल जाएंगे देखिए मैं अभी दो दो कप में चाय यहाँ स्ट्रेन किया अच्छे से लेकिन बॉयल करना है ये मत भूलिएगा अच्छे से एक बॉयल दो बॉयल उसमें होना है सारा बॉयल होने के बाद देखिए मैंने स्ट्रेन किया है उसका फ्लेवर सर्व भी कुछ चाय में आ चुका है अभी मैं कप में सर्व कर रही हूँ यहाँ पर देखिए दो कप बस काफ़ी है कभी कभी स्पेशल चाय बना कर पीने से बहुत ही मतलब फ्रेशनेस मिलता है हमको शक्ति मिलता है ये देखिए ये बनाने के बाद ये बाउल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ बॉयल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको देखिए तुलसी है रोज पटल्स है देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे सुखाती हूँ जो वेंकटेश्वर टेंपल में हमको साउथ इंडियन टेंपल में यहाँ पर विष्णु जी के टेंपल में तुलसी का हार देते हैं तो वॉश करना है बाद में थोड़ा सूख घर में ऐसे ही रख देना है कहीं पर भी आप नील को भी आप ऐसे ही हैंग कर दीजिए तो सूख जाएगा ये देखिए फूल भगवान को हम पहनाते हैं ना तो इस ये भी मैंने वॉश करके रखा था इसका पेटल्स निकालिए इसे देखिए इसको कलेक्ट करके एक कंटेनर में एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रख दीजिए रोज़ जब भी आपको चाय पीना है कुछ स्पेशल वाला चाय बनाना है आपको तो थोड़ा सा तुलसी थोड़ा सा रोज़ पेटल्स डालिए और अच्छा फ्रेगरेंस आरोमा वाला हेल्दी वाला चाय घर में ही आपको गर्मा गर्म चाय मिलेगा आपको होटल जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी और ऐसा चाय कोई भी शायद ज़्यादा लोगों को लोगों को पता भी नहीं है एक बार आप भी इसे ट्राई करिए ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ आप मेरे करम, कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कीजिए कि कैसा था चाय थैंक यू धन्यवाद